तो आज हम अनबॉक्स करने वाले एक स्टैम्प को जो कि यहाँ पे मैंने अभी परचेज की है, तो ये है कौन सी, इसका मॉडल नंबर है 4912 टाइपो। तो ये इसका मॉडल है और कंपनी वगैरह आप यहाँ पे देख सकते हो, और ये इसकी एग्जांपल है कि ये किस तरह से काम करेगी, और ये फुली कस्टमाइजेबल है इसके अंदर, यहाँ तक कि आप इसके अंदर आइकॉन भी इस्तेमाल कर सकते हो, इसके अंदर आइकॉन भी दिए गए हैं। तो इसको अनबॉक्स करते हैं और इसको सेटअप करते हैं कि इसको सेटअप कैसे करना है फर्स्ट टाइम। तो चलें स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है सलमान दीप, आप देख रहे हैं दीप टेक्नोलॉजी लैब यूट्यूब चैनल। तो चलें स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक। तो यहाँ पे सबसे पहले आप लोगों ने इसकी कंपनी वगैरह यहाँ पे देख लो, और इसका मॉडल नंबर मैंने बता दिया। तो ये है इसकी कंपनी और ये कुछ इस तरह से है, और बैक साइड पे यहाँ पे आप देख लो, यहाँ पे बैक साइड पे उन्होंने बताया हुआ है कि आप इसको किस तरह से ओपन करते हो, किस तरह से यूज़ करते हो। तो इसको हम सबसे पहले अनबॉक्स कर लेते हैं। तो यहाँ पे इसके बॉक्स के बैक साइड पे यहाँ पे एक चीज़ मेंशन है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे मेंशन है ब्लैक कलर पे, यहाँ पे उन्होंने डॉट लगाया हुआ कि ब्लैक कलर की इंक इसके अंदर अवेलेबल है। यहाँ पे इसके अंदर ये सारी इंक्स, और यहाँ पे यहाँ तक कि इसके अंदर दो कलर या दो से ज़्यादा कलर भी आप यूज़ कर सकते हो एक टाइम में। तो ये है बैक साइड, बैक साइड पे आप स्टेप्स देख लो। यहाँ पे इसको अगर आपने इसको आपने ओपन वगैरह कैसे करना है वो सारा कुछ इस पर यहाँ पे उन्होंने प्रैक्टिकल करके दिखाया हुआ। तो चलें स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमें सबसे पहले इसमें मिलता क्या है, सबसे पहले हमारे पास एक इंक बॉक्स, तो इसको मैंने ओपन कर लिया। ये है इसकी इंक, इसको साइड पे रखते हैं। इसके साथ हमें मिलती है एक चुंटी, जिससे हम इसकी जो यहाँ पे ABC है इसको उठा के उसके ऊपर लगाएंगे। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ पे हमारे पास एक किट ये है। इस किट के अंदर हमारे पास यहाँ पे कितना कुछ है आप देख सकते हो, इसके अंदर आइकॉन भी अवेलेबल है, और एक किट हमारे पास ये है। तो ये दोनों थोड़े थोड़े इसके आइकॉन चेंज है, बाकी इसकी जो ABC और गिनती वगैरह है वो सेम है। तो मॉडल नंबर लिखा हुआ है यहाँ पे, इन दोनों के मॉडल हैं क्योंकि इनमें अलग अलग चीज़ें हैं। उसके बाद है हमारे पास ये मशीन स्टैम्प। तो यहाँ पे एक पेपर दिया हुआ है, ये पेपर जो है इसके ऊपर हम यहाँ पे लगा सकते हैं, इसके ऊपर लगाएंगे। जो भी आप प्रिंट करोगे पहली बार प्रिंट करके इसके ऊपर लगा सकते हो, इसके अंदर इस टाइम ये चीज़ अवेलेबल है। और इसको मैं आपको दिखाऊँ, यहाँ पे मॉडल नंबर आप देख लो, और ये कुछ इस तरह से काम करती है। तो सबसे पहले हम इसको सेटअप कर लेते हैं। तो इसको आपने इसके ऊपर लगाना क्या है कि सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे उल्टी साइड है इसकी, जैसे ही आप क्लिक करोगे ये सीधा हो जाएगा। तो उसके बाद यहाँ पे एक लॉक है, आपने यहाँ पे लॉक पे क्लिक करना है और ये यहाँ पे फिक्स हो जाएगा। अब इसके अंदर आप चीज़ें ऐड कर सकते हो, यहाँ पे मैं एक ऐड करके दिखाता हूँ। यहाँ पे हम कोई भी चीज़ उठा लेते हैं, जैसे 1 उठा लेते हैं, ये मैंने 1 उठाया, और इसके अंदर तो इस तरह से आप इसके अंदर लगा सकते हो। इस तरह से जो चीज़ आपको चाहिए आप तरतीबा यहाँ पे लगा दो। तो यहाँ पे मैं अपनी स्टैम्प बना लेता हूँ कि मुझे क्या चीज़ रखनी चाहिए, तो मैं इसको जल्दी जल्दी से बना लेता हूँ। फाइनली ये हमारा कंप्लीट हो चुका है, 1.5 घंटे के बाद बहुत सोच समझ के, और इसको फोटोशॉप पर फ्लिप करके मैंने देखा है, फिर जाके ये बना है। तो ये पहले वाली स्टैम्प है, इसको भी थोड़ा सा आइडिया लेके तो ये हमने कम्प्लीट कर लिया है। तो ये ऐसे तो नहीं पड़ा जाएगा जब तक आप इसको स्टैम्प करते नहीं हो। तो अब हमने ये लगाया, इसके अंदर ये कर लिए सेट। और एक और चीज़ बताता जाऊँ, ये इनके जो नंबरिंग थी ना, अलग अलग इनके मॉडल थे, तो मॉडल से फ़र्क क्या पड़ा था कि ये जो एक ऊपर वाला है, इसके अंदर जो हमारे पास ABC या जितना भी डाटा यहाँ पे दिया हुआ है ये सारा है ब्रीक वर्ड में, यानी ये पतले हैं, और ये वाला जो डाटा है जितना भी है ये है मोटा, यानी थोड़ा सा बोल्ड है। तो इसलिए इन दोनों में थोड़ा थोड़ा फ़र्क है इनकी लिखाई में। तो ये हमारे हो गए हैं, तो ये हम अब इसमें इंक डालते हैं। तो ये रही हमारी इंक, तो इंक को सबसे पहले साइड से क्लिप, इसका लॉक है, लॉक से ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद ये साइड हमारी इंक वाली है,
तो हम क्या करेंगे, इसको इस तरह से पकड़ के, तो यहाँ पे वो बंद हो चुकी है, सबसे पहले हम लॉक खोलते हैं और यहाँ पे इस तरह से करके हम इसको, तो इस तरह से ये अंदर चली गई और ये लॉक हो गई। लॉक होने के बाद अब ये यहाँ पे तो ये हमारी स्टैम्प बन चुकी है। तो ये रही ये बैंक की है स्टैम्प। तो यहाँ पे आप देख सकते हो दो तरह के कलर यूज़ करते हैं, इस तरह से हम इसके अंदर भी दो तरह के कलर यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ये जब इतनी मोटी लिखाई, ये आपको ये और स्टैम्प है उस पर आपको लिखवानी पड़ती है, पर वो परमानेंट फिर वही चलती है। तो इसमें आप जितने वर्ड्स है आप चेंज कर सकते हो। तो यहाँ पर हम इसको यूज़ करके देखते हैं। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हो, यहाँ पे ये कुछ इस तरह से हमें नज़र आएगा। तो यहाँ पे टेलीफोन का आइकॉन भी हमने लगाया, फ़ोन का आइकॉन, और यहाँ पे डेट देखो आप थोड़ी सी बोल्ड है, और ऊपर अदीब टेक्नोलॉजी लैब जो है बोल्ड है, बाकी सॉफ्टवेयर हाउस थोड़ा पतला है, और जो फ़ोन नंबर है वो पतले वाला है। तो इस तरह से आप अपनी स्टैम्प खुद कस्टमाइज़ कर सकते हो। तो स्टैम्प का मॉडल वगैरह मैंने आपको बता दिया है, बाकी सेट करना बता दिया है। बाकी ये इसके ऊपर वाली साइड है, तो इसको भी हम देख लेते हैं कि ये किस तरह से लगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे क्लिप बना हुआ है, यहाँ पे लॉक बना हुआ है। अगर हम यहाँ पे इस तरह से प्रेस करते हैं तो ये यहाँ से ऊपर से ओपन हो जाती है। और ये है हमारा वो पेपर का पीस है जिसके ऊपर हम इसको लगाएंगे और ये वाली बाल में हम यहाँ पे रख सकेंगे। तो इसको मैं यहाँ पे रख के इस तरह से, तो यहाँ पे ये लग चुकी है और इसको मैं अब बाहर निकाल लेता हूँ। निकालने के बाद इसको हम यहाँ पे रख लेते हैं और इसको बंद कर देते हैं। तो ये इस तरह से आपको नज़र आएगा कि इसके अंदर क्या चीज़ है, ये इसके अंदर चीज़ है। और यहाँ से आप ये हर चीज़ इसको जो है आप अपनी मर्ज़ी से इसको चेंज कर सकते हैं बहुत ही आसानी के साथ। तो आप इस तरह से इसको बना सकते हैं। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कर दें, और इस तरह की और इन्फॉर्मेशन लेने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और विज़िट करें। तो वहाँ पे इस तरह की और भी इंटरेस्टिंग वीडियो पड़ी हुई हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।